क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में, क्लास टेंथ सब्जेक्ट फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में आज आपके जो टॉपिक है, इट इज़ योर टॉपिक इज दैट हियर टुडे, इट इज़ द डिफिनेशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में हम काइंड ऑफ मिरर पढ़े हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो आगे हम उस मतलब मैटर को आगे इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सो हियर द काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर इज दैट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अबाउट इंफॉर्मेशन स्टडी लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप कर चुके हैं, उसी के से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मोलॉजी है। ऑन द बेसिस ऑन द अबाउट ऑफ द स्फेरिकल मिरर सम टर्म्स इज नेसेसरी फॉर इंफॉर्मेशन फॉर आवर स्टडी इज इंक्रीज इन नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हियर सम बेसिक टर्म इज दैट अबाउट द स्फेरिकल मिरर इज दैट। सो नंबर वन पोल, व्हाट इज द पोल, व्हाट इज द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, हाउ कैन डिफाइन इट। सो द ज्योमेट्रिकल द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कैसे समझना है थोड़ा इसको ध्यान देंगे, जैसे कोई ये है एक मिरर, ये एक प्रकार का कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस, ज्योमेट्रिक सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस इज दैट हियर सेंटर, इट इज द सर्फेस सेंटर सर्फेस। सो इट इज द पोल, इट इज डिनोटेड बाई पी, इट इज द पोल। सो द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। एंड इन सेकेंड इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपको ध्यान देना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पॉइंट। ध्यान से समझेंगे, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पॉइंट। मतलब कहने का ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये एक स्फीयर है, स्फीयर को कट किया है, ठीक है। टू पार्ट इज गिवन, टू पार्ट इज फाइंड हियर, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो द रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल, सो हियर सपोज दैट दिस सेंटर, सो सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये एक हेलो स्फीयर है, खोखला बोला है, इसको कट कर दिया गया, तो इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका सेंटर ये है। तो जो कट करने के बाद आफ्टर कटिंग द स्फीयर वी गेट पार्ट ऑफ दिस पार्ट बी पॉलिश्ड इन वन सरफेस इन वन साइड, सो वी गेट ए मिरर। सो इफ वी कट एंड फाइंड टू पार्ट्स, if polished here, polished and is this polished, so we get two types, we get two types of the mirror, ठीक है, concave mirror and convex mirror। so क्या होता है कि कह रहा है कि center of curvature, the center of curvature of the mirror is the center of the sphere, मतलब इन जो mirror के जो center of curvature है वो इस sphere का ही center होगा जिसका ये कट करके ये पार्ट मिरर फाइंड किए गए, ठीक है, क्लियर हो गए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड पॉइंट इज दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है ध्यान देंगे दीवा, कि
द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स किसी मिरर की पोल और उस मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, जैसे कैसे समझना है इसको, कि समझना है आपको इसको कैसे आएगा, ध्यान देंगे। जैसे ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पी से लेके सी के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, हम कैपिटल आर से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद आए अगला फोर्थ जो डिफिनेशन है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपको ये ध्यान देना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब एक जो प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइनिंग करती है, जो मिलाती है, मैच करती हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एंड नेक्स्ट डिफिनेशन इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ के पहले आपको थोड़ा फोकस समझना चाहिए कि व्हाट इज द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, बहुत समझना अच्छे से इसको। तो फोकस क्या होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि इफ एनी लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन एनी मिरर इज द पैरेलल, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट फ्रॉम द मिरर इज पासिंग थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दैट मीन्स किसी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट गो टू दैट पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर पास्ड, सो जिस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर रिफ्लेक्शन रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर दैट इज कॉल्ड फोकस। कैसे थोड़ा समझना है इसको, जैसे हियर प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एनी लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर ही दे पास हियर दे पास एट एनी पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट से होके प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से होके लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही है, सो दिस पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। क्लियर, तो फोकस समझे। अब नेक्स्ट जो आपका है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बहुत क्लियर है कि हम कहीं भी कोई भी डिस्टेंस वी कैन मेजरमेंट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर लाइक दिस ओरिजिन, जैसे ग्राफ अलॉटमेंट करते हैं ना, तो वी कैन डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सो फ्रॉम द पोल, सो सेम इज द हियर वी कैन मेजरमेंट द डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, सो वी हैव टू टेकन दिस डिस्टेंस इज वी स्टार्ट फॉर मेजरमेंट टू द डिस्टेंस इज फ्रॉम द पोल, सो पोल से लेते हैं, सो हियर फोकल लेंथ। तो जैसे फोकल लेंथ में लेंथ के केसेस में हर डिस्टेंस हम पोल से लिए हैं, सो फोकल लेंथ में भी हम जो डिस्टेंस
मेजरमेंट करेंगे फ्रॉम द पोल. सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. सो इन इजली वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ. सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सम रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाई स्फेरिकल मिरर. हम याद रखते हैं बहुत सारे रे डायग्राम पढ़ने रहते हैं. सो हम कैसे याद रखेंगे, कोई ना कोई एक बेसिक लॉ है. सो बेसिक लॉ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या रूल्स हैं, कौन सी लाइट रेंज कहाँ से पास हो रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, कैसे इमेज बनेगा, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं. उन बेसिक रूल्स को यदि हम याद रखते हैं सो कभी मिस्टेक नहीं होगी रे डायग्राम बनाने में आपको. अबाउट द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाई कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, सो सम बेसिक रूल्स आर हियर. सो हियर थ्री रूल्स आर फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. सो यहां लिखे देते हैं हम लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू स्फेरिकल मिरर. ये ध्यान से समझ रहे क्योंकि इसमें कई कंडीशन है, कॉनकेव मिरर के लिए 6 कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. अब आप उसको रटेंगे याद करेंगे तो कहीं मिस्टेक हो सकती है. हम कोई ऐसा रूल ही याद कर लेते हैं जिससे पूरे होल्ड हो जाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा रे डायग्राम अलाट ड्रा करना. सो नंबर वन पहला देखें, ध्यान दीजिए, कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि किसी मिरर पर आ रही है तो वो कहाँ से होके जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है. दैट मीन्स व्हेन एनी लाइट रेज इज कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सर्फेस ऑफ द एनी स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट ऑफ द सर्फेस ऑफ द मिरर और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो टू द फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. कैसे है ध्यान दें, ये है एक आपका मिरर, ये पोल है, फोकस है और ये. तो पहला रूल क्या है, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है अभी बताया आपको कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइनिंग करती है. सो इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. सो एनी लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स इससे स्ट्राइकिंग होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो एट एनी पॉइंट ऑफ द क्या है फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. अब ये बात अलग है कि इसको फोकस कहेंगे, लेकिन ये समझना है कि कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी किसी सरफेस पर मिरर के स्फेरिकल मिरर के सरफेस पर तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है. पहला रूल मतलब कोई भी लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, पहला रूल हो गया. दूसरा रूल जस्ट इसका उल्टा, ये पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट. तो कोई भी लाइट रे जो फोकस से होके आती है, हियर एनी लाइट रे फ्रॉम कमिंग द फोकस ऑन द एनी सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
दे गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। पैरेलल है तो फोकस से होके जाती है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है। और तीसरा थर्ड रूल जो है, ये आपको देखना है कि पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कोई भी लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है। सो ये माना जाता है कि जो भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके किसी स्फेरिकल मिरर के सरफेस पर इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो जब परपेंडिकुलर आएगी, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो बैक इन सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान देना, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आई, ठीक है, ये हियर दे गो बाय इन सेम पाथ, उसी रास्ते से बैक हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि दैट लाइट रे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे इज गो बैक इन सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में बैक हो जाती है। बहुत ईजी है, कोई एक प्लेन मिरर आप घर में लीजिए और टार्च घर में इस तरह से फोकस कीजिए उसका, बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से, तो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके जाती है वो टार्च के फोकस पर ही रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है। लेकिन यदि हम कोई प्लेन मिरर लिए हैं इस तरह से और उसको प्लेन मिरर लेके और टार्च को इस तरह से हम फोकस कर रहे हैं, मतलब उस पर लाइट रेज इंसिडेंट कर रहे हैं, तो जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है, वो यहाँ तो नहीं जाती कि टार्च के फोकस पर ही रिफ्लेक्ट करे। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं हो रही है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, तो उसी रास्ते से बैक होती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इट इज द थ्री लॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाई स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट, और इन नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम और भी डिफरेंट केसेस में रे डायग्राम बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉनकेव मिरर, सिक्स कंडीशन है, पोल में है तो पोल और फोकस के बीच है तो कहाँ है, फोकस में ऑब्जेक्ट है तो कहाँ है, मतलब सिक्स केसेस आपको हम बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन थ्री लॉज होल्ड इन ईच रे डायग्राम फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे कॉपी, इसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कॉपी बनाएंगे, ठीक है। और इफ एनी डाउट, यू हैव एनी डाउट देन कंसल्ट मी, ठीक है, वी रिमूव योर डाउट्स, श्योर।